वी कर्वा वह तेजस्विनावे तमस्तो मिषा हे ओ शाति 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 वेद अखिलोध धर्मूल वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है क्योंकि बिना श्रेष्ठ कर्मों के हमारा जीवन पशु के समान है कर्म की प्रधानता है इस जीवन में भोग और अपवर्ग के लिए परमात्मा ने यह जीवन और जगत बनाया है अभ्युदय से निश्रेयस के लिए प्रेय और श्रेय मार्ग का आलंबन लेकर के हम जीवन को जिए और इसमें अपने इंद्रियों पर हम पूरा नियंत्रण रखें क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं और हम अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो निसंदेह है हमको अपने ऊपर पूर्णतः नियंत्रण संयम मर्यादित व्यवस्थित संयमित जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए प्रभु की कृपा से हमको इतना सुंदर शरीर मिला है संसार मिला है तो इस सुंदर शरीर को पा के हम प्रभु का कीर्तन करें भजन करें और मोक्षार्थम जगत हिताय जा सुंदर शरीर है लेकिन किस लिए आत्मकल्याण के लिए आत्मकल्याण से विश्व कल्याण की पवित्र कामना से हम सभी कर्मों को करें तो बहुत उन्नत जीवन हमारा होगा क्योंकि बिना श्रेष्ठ कर्म के बिना हर्ष उल्लास के बिना सुख शांति के हम इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं यह जीवन फिर तो पशु पक्षियों से भी नीचे हो जाएगा क्योंकि बिना लक्ष्य के बिना अपने परिष्कार के जीवन हमारा बेकार है निरर्थक है इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं माता पिता के रूप में भाई भाई के रूप में बहन के रूप में बेटा बेटी के रूप में पति पत्नी हो माता पिता हो गुरु शिष्य हो मित्र हो भाई हो राजा हो प्रजा हो सब अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं लेकिन इन उत्तरदायित्वों को बोझ मान करके नहीं अपितु अपने जीवन की जो गति है प्रगति है इस गति और प्रगति में यह जो सुंदर शरीर जो रथ के रूप में हमको मिला हुआ है आत्मानम विधि शरीरम रथ में बुद्धिम तु सारथिम विधि मन प्रग्रह मेव यह जो कठोपनिषद का श्लोक है यहाँ पर यह बात कही कि ये शरीर तो रथ के समान है आत्मानम रथिन विधि आत्मा इसमें रथी के रूप में है बुद्धिम तो सार्थी विद्धि विधि बुद्धि सारथी के रूप में मन प्रग्रह मन लगाम के रूप में है तो कहने का आशय ये अलग अलग ढंग से हमको समझाने का प्रयास किया जाता है कि हम उन्नत जीवन जिए हम औति को अपकर्ष को बदनामी को ना प्राप्त करें सदा उन्नत जीवन जीने वाले बने बहुत सुंदर वेद मंत्र है इस वेद मंत्र को प्रथम मैं लिखता हूं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छत्तीसवें सूक्त का पहला मंत्र है बहुत सुंदर है पहले इसको लिखता हूं मैं ओम अनश्वो जातो अनश्वो जातो अनभी भी थ्यो

चक्र परिवर्तते रज परिवर्तते रजः मह महत्वदो देवस्ते प्रवाचनम् ज्याम रिभ्वा पुष्यथा पुष्यथ यच्च पुष्यथा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का यह पहला मंत्र है ओम पनश्वो जातो अनभिशूरथ्यो रथस्तिश्चक्रः परिवर्तते रजः महतद्वो देवस्ते प्रवाचनम् द्याम ऋभाववा यच्च पुष्यथा ओम अनश्वो जातो रुक् रथस्तिस्त्र चक्रः परिवर्तते रजः तो दवाचन द्याम द्यामृभवा पृथ्वी यच्च पुष्यथा बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कहा कि हे ऋभु तुम्हारा यह रथ यह जो शरीर रथ है अनश्व जाता इंद्रिय रूप अश्वों के शासन वाला नहीं रहा इसमें इंद्रियों का शासन नहीं रहा भीषु यह मन रूप लगाम के प्रभुत्व वाला भी नहीं हुआ इसमें मन का भी शासन नहीं है थ उथ जो कहा यह अत्यंत उत्यंतुत्य है इंद्रियों व मन के शासन न होने से यह अत्यंत प्रशंसनीय बना है यह रथ त्रिचक्र ती जो तीन चक्र है त्रिचक्र जान, कर्म और उपासना रूप तीन चक्रों वाला है यह रथ रजह परिवर्तते इस लोक में निरंतर गति वाला है और गति वाला होता हुआ यह सदा रथ क्रियाशील रहता है सदा क्रियाशीलता से युक्त रहता है हे रिभवा हे जान दीप्त पुरुषों जान पिपासवों जिज्ञासवों वह तुम्हारा दिव्यस्ते देव प्रति जो देव प्राप्ति का साधन भूत कर्म प्रवाचनम प्रकर्षण कथन योग्य है यदि तुम देद्याम मस्तिष्क रूप देवलोक को तथा पृथ्वी शरीर रूप पृथ्वी को पुष्य था पुष्ट करते हो शरीर को शक्ति संपन्न बनाना और मस्तिष्क को ज्ञान संपन्न बनाना ही प्रभु प्राप्ति का साधन है तो इस वेद मंत्र के भाव को हम समझें और यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है जैसा कि हमने कठोपनिषद के श्लोक का भी संदर्भ आपको दिया कि हमारा शरीर रथ के रूप में है रथ जैसे साधन के रूप में हमको प्राप्त है और उस साधन से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं साध्य की ओर आगे बढ़ते हैं जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो यह शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए जैसे एक रथ के पहिए यदि ठीक ना हो उसकी धुरी ठीक ना हो वह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो तो सफर नहीं कर सकते युद्ध नहीं जीत सकते या रथ का जो भी कार्य हम लेना चाहें वह सफल नहीं होगा ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ को भी हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहिए इसमें अपने यह जो कहा अनश्वो जातो अनभीषु यह इंद्रिय रूप अश्वो का शासन नहीं रहा इस पर मन का शासन नहीं रहा और यह जो मन और इंद्रियां हैं यही हमको नरक गामी बना देते हैं इसमें मन का शासन नहीं अर्थात तो ऐसा मन जो खिन्न है ऐसा मन जो संकोच करता है संकीर्ण विचारधारा रखता है जो स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है उसको यदि हम नियंत्रण में रखते हैं तो हमारे इंद्रिय रूपी अश्व भी नियंत्रण में आ जाते हैं जिनका मन नियंत्रित है उनकी इंद्रियां भी नियंत्रित क्योंकि मन से इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है इन अश्वों का नियंत्रण किया जाता है जो बहिर्मुख हैं। ये बहिर्मुख बहुत तेजी से आँखें जो दृष्टि हमारी है और रूप को देखती है रूप देखना चाहती है सुंदर सुंदर रूप कान अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना चाहते हैं नासिका सुगंध लेना चाहती है दुर्गंध नहीं चाहिए जिहवा जो रसना है उसको उसके स्वाद के लिए चाहिए जो जैसा जिसका स्वभाव होता है खाने का मीठा नमकीन जो भी है तो ये जो इंद्रियां हैं और त्वचा तो कोमल कोमल स्पर्श चाहिए ये इंद्रियां बहिर्मुख हैं और व्यक्ति को धराशाई कर देती हैं क्योंकि तानेव जितानी यानी मित्राणी संति यानी इंद्रियाणी के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी आचार्य शंकर भी लिखते हैं प्रश्नोत्तरी में कि वास्तव में जो सबसे बड़ा शत्रु हमारा है वो क्या है वो कहा कि हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं इनसे व्यक्ति पतित हो जाता है एक क्षण का सुख और दीर्घ काल का दुख एक क्षण का भोग और दीर्घ काल तक का रोग हम जबरदस्ती मोल ले लेते हैं एक प्रकार से इनको जब हम नियंत्रण में रखते हैं इंद्री अश्वों को जब हम भागने नहीं देते कंट्रोल में रखते हैं तो मन भी कंट्रोल में रहता है और जब इंद्रिय रूपी अश्व कंट्रोल में हो गए हमारा मन भी कंट्रोल में लगाम के रूप में हो गया तो फिर यह जो अनुष्ठान है शुद्ध जान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना का ये जो तीन चक्र इसमें कहा है इस वेद मंत्र में कि रथस्थर चक्र परिवर्तते तो ये जो तिस् चक्र हैं तीन चक्र हैं तो इस चक्र से हम जीवन चक्र को सृष्टि चक्र को सफल बना लेते हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म के लिए मिला है बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा सकल पदार्थ है जग न कर्महीन पावत नाही कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा तो हम कर्म करें कर्म से ही हमारे स्वधर्म का उत्कर्ष होगा स्वधर्म का बोध होगा स्वधर्म में आगे चलेंगे इस विद्या को इस ज्ञान को हम हर पल अपने जीवन में उतार सकें इसलिए कहा कि शरीर रथ में इंद्रियों व मन का प्रभुत्व ना होने दे शरीर में जब इंद्रियों का हम नियंत्रण नहीं करेंगे मन का नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं मन मनमानी करना शुरू कर देता है इंद्रियों के साथ हो जाता है तो जैसा इंद्रियां चाहती हैं उधर ही ये नाच नचाती हैं और हमारा शरीर फिर रोगी हो जाता है हम निरोगी नहीं रह पाते हैं मन का आरोग्य हमको नहीं मिलता और शरीर का भी आरोग्य नहीं मिलता मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं अलग अलग प्रकार से लोग दुखी होते हैं आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के मानसिक रोग हैं कितने प्रकार के शारीरिक रोग हैं उन रोगों का निदान करना उनका शमन करना उसका सबसे अच्छा उपाय है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें रसना पर जो जैसा भोज्य पदार्थ है जितना खाना है उतना ही खाना अधिक लोभ नहीं करना क्वांटिटी क्वालिटी का ध्यान रखें हित भुक मित भुक अरित भुक हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा स ये जना नातान वेद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव चिकित्सकः वो जो लोग अपनी इंद्रियों पर रसना पर नियंत्रण रखते हैं वासना पर नियंत्रण रखते हैं वो कभी पतित नहीं होते तो ये आंखें अब अच्छा देखें इनसे बुरा क्यों देखें कानों से अच्छा सुने नासिका से अच्छा सुनें वाणी से अच्छा बोलें यही कल्याणकारी है और मन को सात्विक बनाए तन में मना शिव संकल्प से युक्त मन की मनमानी छोड़ करके मन तो भागता रहता है मन की तो क्या ही मिसाल इस संसार में दी जाए वायु से भी बड़ा वेगवान है यह तो मन का प्रभुत्व यदि इंद्रियों पर होगा तो इंद्रिया यद्यपि जब मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को तो कंट्रोल रहेंगे लेकिन मन भी यदि इंद्रियों के सुख के पीछे पीछे लग गया तो फिर कोई बचा नहीं सकता इस साधन को शरीर को रोगी होगा ही होगा तो इंद्रियों पर जो है मन का नियंत्रण मन पर बुद्धि का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए इसमें जान कर्म उपासना तीनों का स्थान हो हम शरीर व मस्तिष्क दोनों का ही पोषण करें इस रथ में न घोड़े न लगाम तीन चक्र हैं यह आंतरिक जो व्यवस्था है और अंतरिक्ष की जो व्यवस्था है हमारे पिंड से लेकर के इस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में वास्तव में परम पिता परमेश्वर विशेष रूप से सब कर रहे हैं तो यह तीन चक्र हैं यह अंतरिक्ष में उड़ता है सुप्रशस्त है इसका इंजन दृढ़ है तो प्रकाश भी व्यवस्था इसमें ठीक है एवं वायुयान का जो है यहाँ पर सामर्थ्य जैसे कह दिया कि वायुयान भी उड़ता है तो उसमें भी उसके इंजन का उसके चलाने वाले का भी ध्यान रखते हैं उसके सभी प्रकार के जो सहयोगी होते तभी वायुयान भी ऊपर उड़ता है और मंजिल तक पहुँचाता है चाहे नदी में हो चाहे समुद्र में हो हमारे इस शरीर में भी ये एक इंजन भी है इसमें और यह शरीर भी एक साधन के रूप में मिला है तो अत्यंत महनीय यह जीवन है इसको हम श्रेष्ठ बनाएं कभी भी अहंकार ना करें कभी भी हम घमंड ना करें क्योंकि यह इंद्रियों का और शरीर का कोई भरोसा नहीं है इसलिए हम जब घमंड नहीं करेंगे तो ईश्वर का हमको प्यार मिलेगा इसलिए कहा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता ना और कोई उसके समान जग में दाता न और कोई देने पे जब वह आए तो बेशुमार देगा जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन तुझे विधाता मन वचन कर्म उसकी आजा कर ले मन वचन कर्म उसकी आजा कर ले वह तो पिता है तुझ पे वार देगा जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया सुख में साथ देगा दुख में विसार देगा जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा उस दिन तुझे विधाता भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा जिस दिन घमंड अपने यह संसार ऐसा है यदि घमंड करेंगे अहंकार करेंगे तो संसार में हमारी उन्नति नहीं हो सकती हाँ बड़े बड़े लोग भी आए जिन्होंने घमंड किया और मिट्टी में मिल गए आज उनका नामो निशान नहीं है इसलिए हम अहंकार ना करें प्रभु की भक्ति करें सत्कार करें और जीवन के इस साधन को इस रथ को हम ठीक करें नहीं तो अर्थी तो है ही है जब आत्मा नहीं है तब अर्थी है तो जीते जी अर्थी ना बने कम से कम हम ऐसा उद्देश्य बना करके रखें दिव्य भव्य सभ्य जीवन जिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।